भाई पूरे मुंबई से जो चमड़ा जमा होता है ना, पूरे मुंबई का वो जमा होके आता है धारावी में। आप लोग सामने देख सकते हो गोडाउन में शॉर्टिंग चल रही है। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये चमड़ा कहाँ पे जाता है और इससे क्या क्या बनता है धारावी में। वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आया हूँ माहिम और साइन रेलवे स्टेशन के बीच में बसा हुआ, जिसे लोग स्लम कहते हैं। मैं तो स्लम नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे भले ही लोग पैसे वाले दिखते नहीं, मगर यहाँ पे पैसा पैदा करने आता है लोगों को। जी आज मैं आया हूँ धारावी लेदर मार्केट। और धारावी एक अपने आप में ऐसी जगह है जहाँ पे हर घर में मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं, कहीं ना कहीं 80% मैं कह सकता हूँ कि मुंबई के जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली चीज़ें ऑनलाइन प्रोडक्ट की, वो धारावी में ही तैयार होती है। तो आज हम आए हैं धारावी मार्केट एक्सप्लोर करने, स्पेशली लेदर प्रोडक्ट। तो आज मेरा साथ दे रहे मेरे भाई सद्दाम, जो कि रहने वाले धारावी के ही है। ये अपना सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों की दुकान पे लेके जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे धारावी लेदर मार्केट। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फेस्टिवल जो आ रहे हैं ना मुंबई में अभी, जैसे गणेश चतुर्थी है, ईद मिलादुन नबी है, तो मुंबई पुलिस एक परेड रखती है उसके लिए स्पेशल, कि हम आपकी सेफ्टी के लिए है। तो आप लोग देख सकते हो कमांडो है, मुंबई पुलिस है, और ये पूरा एक परेड चालू है धारावी में, क्योंकि धारावी को कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा स्लम, और मुंबई पुलिस जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है सब कुछ। तो धारावी जो है भाई, वो बाहर से ऐसा लगता है सिर्फ स्लम 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 है, मगर ऐसा नहीं है भाई। धारावी के अंदर घूमोगे तो घूम जाओगे भाई, इतना कंजेस्टेड है, इतने ज़्यादा लोग है, बाजार है, मतलब कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि भाई मतलब गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो सद्दाम भाई अभी अपने को लेके चल रहे जो लेदर मार्केट है धारावी का, वहाँ पे। भाई हम इसको एक मोहल्ला नहीं कह सकते, धारावी को अपने आप में एक सिटी कह सकते हैं, जहाँ पे सब कुछ है। अंदर स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह सद्दाम भाई के रेफरेंस से पहली शॉप हमको मिली है लेदर जोन, जबकि ये पूरा लेदर मार्केट है। तो पहले लेदर जोन में चलते हैं भाई, और ये शॉप कहाँ पे लोकेटेड है वो भाई से पूछेंगे, और वो क्या क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, आप चलते हैं शॉप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहली बात तो भाई दिल से शुक्रिया आपने मौका दिया कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई जो मना कर देते कवर मत करो, मगर अपने कोई चार्जेस नहीं होते भाई। अपन तो यही चाहते हैं कि लोगों को पता चले अपने मुंबई में कहाँ पे क्या मिल रहा है, तो आपने सपोर्ट किया उसके लिए टीम अननोन ब्लॉगर आपका दिल से शुक्रिया अदा करती है। तो सबसे पहले अपनी शॉप का नाम बताइए भाई। मैं अपनी शॉप का नाम है लेदर जोन। लेदर जोन, और ये प्रॉपर कहाँ पे है अभी अपन? ये अपना साइन बेंड्रा लिंक रोड है, नियर ओएनजीसी बिल्डिंग। धारावी भी कहते हैं इसे। हाँ, तो अपनी जो शॉप की स्पेशलिटी है वो क्या है? ये लेदर के बैग्स है, शूज छोड़ के आपको यहाँ पे एवरीथिंग सब मिल, मतलब बेल्ट, जैकेट, सब कुछ मिल जाएगा, वॉलेट। तो ये अपना खुद का मैन्युफैक्चरर है या फिर हम मार्केट से खरीदते हैं? नहीं नहीं, अपना मैन्युफैक्चरिंग। और जो जैसे एक लेदर का एक पर्स लेता हूँ आपसे मैं, जेंट्स पर्स या लेडीज पर्स, तो उसकी कुछ गारंटी वारंटी होती है कि लेदर खराब नहीं होगा या ऐसा कुछ? गारंटी रहती है। अगर उसमें कुछ हो जाती है तकलीफ तो कितने दिन में रिटर्न हो जाएगा? अगर कैसा पील अप हो गया तो नया वॉलेट जो भी हो। अच्छा, मतलब उसके वो निकल गए ऊपर का, उधड़ गया तो आपको नई चीज मिल जाएगी। कितने दिन में? साल में होने दो, दो साल में। दो साल में भी? क्या बात है। तो भाई अभी हम चालू करते हैं वॉलेट से, और आपको रेट के साथ चीज बताना है ना भाई, तो कि लोगों को आसानी हो, और आपका फिर हम कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देंगे जिसे, अगर ऑनलाइन डिलीवरी है हमारे वहाँ ऑनलाइन डिलीवरी, और माशाल्लाह अभी तो पोर्टर आ गए उससे बहुत आसान आ गया, बहुत फास्ट हो गया। तो चलिए अब चालू करते हैं, आप उन क्या स्पेशल आप दिखा रहे हो? एक वॉलेट
वॉलेट आप निकालिए। सद्दाम भाई क्या बोल रहे हो, कैसा लग रहा है आने का? बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी। मैं यहाँ पे एक्चुअली ले भी चुका हूँ यहाँ पे। हाँ, मुझे मतलब बहुत सस्ता मिला वहाँ पे। सस्ता मिलता है जो मॉल के अंदर मिलता है, 2000 रुपए का यहाँ मिलता है अपने को 400-500 रुपए में। तो भाई ने अभी ये पहला पाउच वॉलेट है, ये अपना खुद के ब्रांड की टैगिंग पे आता है, ये अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, कोई लोगो कोई ब्रांड का नहीं है। नहीं, अच्छा, जैसे अगर अभी किसी को बिजनेस चालू करना है वॉलेट का, वो आपको बोलता है मेरे को ऐसे मिक्स में 5000 पीस चाहिए मगर मेरा लोगो रहेगा उस पर, तो वो बना के मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये वॉलेट कितने का है भाई? ये अपना क्वांटिटी में लेंगे आप तो आपको सब 150 से लेके 300-400 जैसा लेदर रहेगा वैसा प्राइस। तो ये लेदर किस चीज का होता है? बफेलो नेचुरल। बफेलो नेचुरल है ये, और ये खराब नहीं होता है। ये कितने का है? ये लोगे आपको 250 का, ये 250 रुपए में आएगा। ठीक है भाई, और सिंगल पीस अगर कोई लेने आता है तो? लेते हैं तो आपको 400 400 रुपए में आएगा, और अगर एक लोगे तो 250 रुपए में आएगा। ओके भाई, इसके बाद क्या दिखा रहे हो भाई? हाँ, बहुत ही खूबसूरत आपने लेडीज पाउच निकाला है भाई, MK। ये कौन सा, ये अपना ब्रांड है? नहीं, फिर ये मार्केट के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो ये पाउच अगर हम शोरूम या मॉल में लेते हैं तो कितने का मिलेगा? ये सब आपको बाहर 5000, अभी ये सब कुलाबा जाता है, कुलाबा वाला आइटम है, कॉजवे वाला 5000-6000 एक प्राइस रहता है। यहाँ पे आपको 1800-2000 उसके अंदर, मतलब 1800 रुपए में अपने को ये मिल जाएगा। यूरो जी। और ये प्योर लेदर है ना भाई? खुद के डिजाइन। अच्छा, ये खुद की डिजाइन है, तो भाई मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जो हम जो चीज हमने खुद बनाई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसका क्या रेट है भाई? प्लस लॉन्ग बेल्ट। अच्छा, शॉर्ट हैंडल भी है इसमें, लॉन्ग हैंडल भी ऐड हो जाएगा, वो अंदर रखा हुआ है। ये पाउच कितने का है भाई? आप लोगे आपको 25 का पड़ेगा, 2500 रुपए में ये आ जाएगा भाई। ओके, क्रोकोडाइल ओरिजिनल नहीं आता, तो ये टेक्सचर है। अच्छा अच्छा, क्रोकोडाइल से मिलता जुलता हमने ये बनाया, बट ये लेदर किसका है? ये बफेलो का ही लेदर, बफेलो है, बट हमने डिजाइन इसको क्रोकोडाइल के हिसाब से मार के क्रोको का टेक्सचर। तो मतलब माशाल्लाह भाई, सबसे अच्छी बात ये है ना, जो आप रियलिटी वो बता रहे हो, बाकी जगह के जैसा नहीं कि भाई क्रोकोडाइल के ऐसा दिख रहा है तो क्रोकोडाइल का ही लेदर है, वो सबसे अच्छी बात है कि आप फैक्ट पे काम कर रहे हो। जो आपको लेदर है लेदर बोलेंगे, जो नॉन लेदर है वो नॉन लेदर। अच्छा, और कुछ स्पेशल दिखाओगे भाई? जींस का मिलेगा आपको, लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग भी। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आते हैं। आते हैं भाई। अच्छा, कोई मतलब कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताइए जो याद है आपको अपनी शॉप पे आया हो? अपनी आगे शॉप में और हाँ, भी 2-3 शॉप है। अच्छा, मतलब यहाँ पे सीक्रेट है ये मार्केट। हाँ, ये तो मैं ये मालूम मतलब है। लेते 10000 का, मतलब यहाँ से लेते 2000 का, वहाँ बताते मतलब 10000 का। मतलब ओके ओके ओके, सारे फिल्म सिटी से भी लोग आते हैं, परचेस करके जो लेके जाते हैं। अच्छा, और ये बैग, ये अपना खुद का मैन्युफैक्चर है भाई, ये कितने का है बैग? ये आपको 35 का पड़ेगा। 3500 1800 से स्टार्टिंग रहेगा, प्योर लेदर। अच्छा, प्योर लेदर सारी चीजें मिलेगी। ये बैग जो है ये 1800 से 3500 रुपए तक आएगा। आप इनके पास वेराइटी देख सकते हैं भाई, एक बहुत जबरदस्त लेदर दिखा है भाई ये। इसके बारे में क्या कहना है भाई? स्वेट कहते हैं ना इसे, तो ये लेदर की भी गारंटी है। ये पाउच कितने में आ जाता है? ये आपको 2800 रुपए, मतलब भावता हो जाता है ना, क्या फिक्स रेट है? फिक्स नहीं रहता है, कस्टमर भावता हो जाता है। और कुछ ऐसे भी वो पाउच बताइए कमर पे जो लोग आजकल बांध के चल रहे या फिर साइड बैग लटका रहे, वैसा कुछ है अपने पास भाई? आजकल ये बहुत फैशन में, ट्रेंडिंग में। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पाउच है भाई ये भी। तो ये पाउच का क्या रेट है? 1800 रुपए में आएगा। ये भी प्योर लेदर, 10 कलर। अच्छा, 10 कलर है। तो अब भाई जो सबसे गर्म वाली चीज दिख रही है ना आपके पास भाई, वो दिख रही है जैकेट लेदर की, तो उसमें कुछ दिखाएंगे तो मजा आ जाएगा भाई। ये भी बफेलो लेदर है, जैकेट ज्यादातर शिप में बने। अच्छा, ये शिप के उसका है, मगर ये भाई काफी बफेलो में इससे ज्यादा वेट हो जाता है, मगर ये वेट है, अभी भी वेट है ये। तो ये भी आपको आ जाएगी। अच्छा, लेदर के गेज के ऊपर रहता है। ओके, तो ये जो जैकेट है ये कितने की है? जैकेट आपको 2500 से स्टार्टिंग, 2500 से स्टार्टिंग, और टॉप की कितने की है? लिमिट नहीं, जैसा जिसको बनवाना है। अच्छा, अपन कस्टम मेड भी कर देते, अगर मैं डिजाइन आपको लाके दूंगा तो आप बना दोगे सारी चीजें? एक दिन में बन के मिल जाएगा, एक दिन में ही मिल जाएगा। ऑर्डर दे दीजिए, कल आपको रेडी हो। क्या बात है भाई, जबरदस्त है आपको। हाँ, तो सुबह ऑर्डर दे दीजिए, शाम तक मिल जाएगी। एक चीज और आपके शॉप में दिखी है भाई, बहुत अलग दिख रही है, लेदर कैप। तो भाई ये जो दुकान है ना, यहाँ पे सब कुछ लेदर का ही मिलेगा भाई, सारे लेदर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। ये कैप और भी है या सिर्फ एक ही है भाई? नहीं, और भी है, कलर्स भी आएंगे। तो कैप थोड़ा सा दिखा देंगे तो भाई मजा आएगा भाई। सद्दाम भाई, कुछ रिव्यू आपका? मैं रिव्यू ये देना चाहता हूँ, मतलब ये मार्केट ऐसी है ना,
जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं ना, 10-15 हजार रुपए होएगा एक्चुअली, वो लोग यहाँ से ले आते हैं, यहाँ से लेके जाते, मतलब जितने भी ना सब सीक्रेट यहाँ से मंगा के लेके जाते, अपने लगता है 15-20 हजार, लेकिन सब यहीं पे लेके आते लोग, सब मोस्टली लेते हैं यहीं से, लेते तो अपन कह सकते हैं हिडन सेलिब्रिटी मार्केट ऑफ लेदर प्रोडक्ट। ओके भाई, मार्केट है ये, सीक्रेट मार्केट है। तो भाई कैप कई सारी है इसमें, तो चेन वगैरह, अच्छा ये टू पीस है, इसको चेन के साथ भी पहनो या फिर खाली हाफ भी करके, तो ये कितने की है इसमें अलग अलग है, फिर भी ये वाली 400, ये 400 रुपए की है, जैसा लेदर रहेगा ये भाई, बहुत बहुत अच्छा कलर लग रहा है ये कैप कितने की है, 400 रुपया। अच्छा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैप में तो गर्मी बहुत ज्यादा होती होगी कि ये स्पेशल सिर्फ ठंडी के लिए, शौक के लिए भी पहन सकते हैं, मगर कैप तो बहुत अच्छी है भाई, और काफी कुछ है यहाँ पे। तो अब मैं क्या कहना चाहूंगा भाई, लेदर प्रोडक्ट लवर जो है उनको आप क्या कहना चाहोगी, आपकी शॉप पे लो या मत लो, मगर विजिट करो, शौक बढ़ाओ, क्या कहते हो? लेदर का शौक रखते हो तो आइए विजिट कीजिए धारावी मार्केट, अच्छी चीज मिलती है, अच्छी वैरायटी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। आपका मोबाइल नंबर प्लीज बोल दीजिए भाई, 9323-02-9601। तो भाई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे से सब कुछ आपने बताया। इनके शॉप में भाई काफी कुछ है, और ऐसी 4 शॉप है भाई की टोटल, और अगर कोई मोबाइल के लिए पाउच बनवाना चाहे तो वो भी मिल जाएगा, वो भी बन के मिल जाए, तो वो क्या स्टार्टिंग रेंज होता है मोबाइल का? मोबाइल के भी आपको लेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, 500 है, 600 है, 800 है, रेडी मिल जाएगा, रेडी मिल जाएगा। तो है अभी अपने पास यहाँ पे, आगे शॉप में, आगे शॉप में, और काफी ये बेल्ट वगैरह भी अपने खुद के बनाए हुए भाई सब। तो भाई यहाँ पे काफी कुछ है, बहुत जबरदस्त चीज है। अब देखो ये मोबाइल का पाउच भाई ने खुद के लिए भी बनाया एक, हाँ तो ये ऐसा अगर कोई पाउच बनवाते तो ये कितने में बन जाता है? ये सब रेडी मिल जाता है आपको, अच्छा रेडी में ही मिल जाता है। अच्छा कोई जो बंदूक रखने के शौकीन है लोग, लाइसेंसी बंदूक, तो बंदूक का भी पाउच बन के मिल जाएगा अपने को, मतलब खाली हमको प्रोडक्ट लाना है, आप लोग नाप लेके बना के दे दोगे, पिक्चर भी लाएंगे तो बना के दे दोगे, पिक्चर भी लाएंगे तो बना के। तो भाई ये समथिंग स्पेशल है फॉर लेदर प्रोडक्ट लवर, तो भाई की शॉप पे जरूर विजिट कीजिए। अब धारावी में थोड़ा और अंदर घूमते हैं भाई, धारावी ऐसा है कि भाई दिन खत्म हो जाएगा, हफ्ता खत्म हो जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा, मगर धारावी खत्म नहीं होगा, ये इतना बड़ा मार्केट है अलग अलग चीजों का, बरोबर ना भाई? जजाक अल्लाह खैर भाई, अल्लाह आपकी हक हलाल की रोजी में खूब बरकत दे। तो अभी हम आए हैं सेकेंड शॉप पे जिसका नाम है मार्को रिची, और भाई इनकी स्पेशलिटी जो है पाउच है, शूज़ है, शूज़ की काफ़ी डिमांड थी कि सरफराज भाई शूज़ का वीडियो बनाइए, तो आ गए अपन धारावी भाई, आप लोग सामने देख सकते हो, अभी सेकंड शॉप में विजिट करने जा रहा हूँ, यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है स्पेशल। तो भाई इतने बिजी शेड्यूल में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए एक बार फिर से टीम अननोन ब्लॉगर आपका शुक्रिया अदा करती है भाई। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत भाई थोड़ा सा लाउड बोलना है अपने को। प्रशांत भाई अपन ये बिजनेस में कितने सालों से? अभी सर ये तो मेरे डैडी के टाइम से, डैडी के टाइम से ही है, मेरे डैडी के टाइम से चल रहा है, अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये अपन मैन्युफैक्चरर है या फिर कैसा से? खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं अपन। अच्छा एक सिंपल चीज पूछना चाहूंगा, जैसे ये शूज अभी मैं बेंड्रा या कोलाबा कॉजवे में लेता हूँ, वो शूज वहाँ से लेने में और यहाँ से लेने में कितने का फर्क आ जाता है? सर बहुत डिफरेंस आता है, फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अभी देखो वैसे हम मैन्युफैक्चरर है, हाँ ये हमारा आउटलेट है, हाँ हमारा ब्रांड है, हाँ ठीक है, यहाँ से लोगे आप और उनके लेने में आपको तकरीबन 1000-1500 का तो फर्क उसमें समझो। अगर ये जूता कॉजवे पे 2000, ये शूज का रेट क्या आप क्लियर बताए? हमारे पास 1800 का, 1800 का है, और अगर यही चीज कॉजवे बेंड्रा या किसी मॉल से लेते हैं तो ये उधर 3000 का, 3500 का, 3500-3500 का होगा। तो देखो उनमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वहाँ का रेंट हाई है, वहाँ लोग काम पे है, तो फिर वो तो बनता है। खैर ठीक है, अपना तो काम है जो होलसेल मार्केट है उसे एक्सप्लोर किया जाए। तो अपनी स्पेशलिटी क्या क्या है भाई? स्पेशलिटी सर हमारे सारे प्रोडक्ट हमारे अच्छे ही है, कोई ऐसा तो कुछ आप दिखाओगे भाई? आप ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपको अगर बाहर लेने जाएंगे आपको ये तकरीबन ये 4,500-5,000 का मिलता है, ये हमारे पास सिर्फ 2500 का है, 25। अच्छा अगर लेदर खराब हो जाए, जूता फट जाए, टूट जाए, वारंटी में आता है सर ये, कितने दिन की गारंटी? और एक साल में रिप्लेसमेंट सीधा या बना के? नहीं नहीं सीधा रिप्लेस होता है, सीधा रिप्लेस करके नया मिलेगा। ओके सर, तो और उसके बाद में भाई ये वाला शूज अपने को थोड़ा बहुत अच्छा, इसे क्या एंकलेट कहते हैं शायद, इसको एंकल शूज बोलते हैं, एंकल शूज या एंकलेट भी कहते हैं, हाँ चेल्सी है, चेल्सी है, तो ये जेन्युइन लेदर प्रोडक्ट है, ये अच्छा क्वालिटी का होता है, हाँ ठीक है, इसका सोल भी होता है, टीपीआर का होता है। अच्छा ये बरसात में पहन सकते हैं अपन ये लेदर? सर पहन सकते हो, वॉक कर सकते हो, हाँ सिर्फ
डीप पानी में नहीं जाना है। अच्छा ओके, कमरे तक का पानी रहता है उसमें नहीं जा रहा है, तो क्या है पेस्टिंग का थोड़ा लूज हो जाता है पानी से, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, बाकी वॉक कर सकते आप पहन के, कोई तकलीफ नहीं रहता। ओके, मतलब ये ऑल सीजन शूज ही है ये। उसके बाद में क्या दिखा रहे हो भाई? सर कैसा है, मिसकंसेप्शन, एक गलत सोच हो गई है पब्लिक में कि लेदर खराब हो जाता है, पानी में खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अपने अपने पहनने का तरीका होता है, आप उसको कैसा पहनते हो उसके ऊपर डिपेंडेड है, बाकी कुछ नहीं। तो आपके पास तो काफी ये तो भाई आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में ये वाले जो आइटम है, ये मतलब ऐसा है कुर्ता पजामा हो, फॉर्मल्स हो, कुछ भी है, मतलब आदमी डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं। ये एक है, काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा और कलर भी काफी अच्छा है। ये शूज का क्या रेट है? ये सर आपको मेरे पास मिलेगा 1600, 1600 रुपए में आ जाएगा ये प्योर जेन्युइन। तो ये भाव तो होता है जो हमने बोल दिया वो बोल दिया सर, आपके वीडियो देख के अगर कोई आया है तो उसको डिस्काउंट दे देंगे। कितना परसेंट दे देंगे? चलो ये शूज के बारे में बताइए, अपना वन ऑफ माय फेवरेट है भाई, ये जूते अपने को बहुत पसंद है, लोफर है। हाँ लोफर बहुत पसंद है मेरे को, ये आप कुर्ता पहनो, कुछ भी पहनो सब पे जाता है, और बहुत ट्रेंडिंग शूज है, और मेन मतलब इसके कलर बहुत अच्छे आते हैं, इसके कलर काफी बहुत अच्छे आते हैं, व्हाइट हो गया, इसमें रेड आता है, येल्लो आता है, मतलब आप जो कलर सोचोगे वो कलर का मिल जाएगा भाई। अच्छा अपने पास कोई ऐसे शूज है क्या जो आजकल डायबिटिक पेशेंट यूज कर रहे हैं, या बीमार लोग जिनके पैर में तकलीफ होती है, डॉक्टर शूज के नाम से भी जो चल रहे हैं मार्केट में, वैसा कुछ है अपने पास? ये जो हमारा प्रोडक्ट है हाँ, ये उन लोगों के लिए जिनके पैर सूज जाते हैं या फिर जिनके पैर दुखते हैं, उसके लिए ये स्पेशल कुशन होता है अंदर। अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। ओके जी, और ये मेन बात, ये रिंकल फ्री होता है, इसको कैसा? अच्छा रिंकल नहीं आएगा इसमें, रिंकल्स नहीं आएगा, काफी अच्छा प्रोडक्ट। ये अपना खुद का मैन्युफैक्चर है भी? हमारा सारे प्रोडक्ट मेरी फैक्ट्री में खुद के ही है जी। और यहाँ पे ये शूज का रेट क्या है? ये सर आपको 1600, 1600 रुपए। अब यहाँ पे कुछ अपन देख रहे हैं भाई, अलग अलग कलर के वॉलेट वगैरह आपने रखे, पाउच रखे, तो इसका क्या सीन है भाई? सर ये सारे लेदर के वॉलेट्स है। हाँ तो ये पाउच भी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? जी सर हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, देखो बहुत ट्रेंडिंग है ये और काफी। और ये अभी जो छोटी नोट हो गई अपनी, नोट जो छोटी हो गई है वो साइज के हिसाब से बना है भाई, साइज का ये। क्या बात है। और भाई आपने काफी कुछ बनाया है यहाँ पे, काफी अलग अलग चीज देखने में, ये तो कुछ एक अलग आइटम आप दिखा रहे हो भाई। ये वॉच के लिए, बेल्ट के लिए, रोल करके बेल्ट रख सकते हो, वॉच रख सकते हो। ओके, उसके लिए स्पेशली बनाया हुआ ये, काफी ट्रेंडिंग प्योर लेदर में बना हुआ ये। तो ये तो जो बॉक्स, इसे बॉक्स कहेंगे पाउच कहेंगे? नहीं, इसको बॉक्स बोला जाता है, बॉक्स ही बोला जाता है, मैं सही था मतलब। तो ये कितने का है भाई? ये सर आपको अगर बाहर लेंगे तो ये बड़ी बड़ी मॉल में, बड़ी बड़ी जो ब्रांड की दुकानें हैं उनके पास ये आपको तकरीबन 3,500-4,000 का मिलेगा। हाँ, और अपने मेरे पास सिर्फ सर 2,000 रुपए का। ओके, तो भाई पहले अभी मेरे को आपकी एक बार दुकान का नाम बोल दीजिए। मेरा दुकान का नाम मार्को रिची है, धारावी में अपना शॉप है ये। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर ये देखिए, आप कार्ड दिखा दीजिए, ये भाई का कार्ड है। और ये भाई से जो इनसे मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम है प्रशांत भाई, है ना भाई? प्रशांत नाम है मेरा। और आप ये दोनों नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी। प्रशांत भाई ये बताइए, इंस्टाग्राम या कहीं सोशल मीडिया पे कहीं कुछ पेज है अपने शॉप का? सर अभी हमारे यहाँ दो पेजेस है। हाँ, margorici.in नाम से है। हाँ, और एक शू क्राफ्ट। हाँ, ये नाम से भी है इंस्टाग्राम पे। ये अच्छा, अगर कोई मैं घर बैठे बुक करना चाहूँ तो फिर आप ये प्रोडक्ट भेज दोगे? जी जी जी। तो उसमें जो डिलीवरी चार्जेस है वो मैं दूंगा या आप शॉप की? वो आप दे दोगे अपनी तरफ से, पूरे मुंबई में कहीं पे भी, पूरे इंडिया में कहीं पे भी, कहीं पर भी आप मंगाएंगे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे अभी जो कार्ड दिखाया मैंने, तो एक और बार भाई का कार्ड देख लीजिए आप लोग। ये देखो इसमें प्रशांत भाई का नंबर और राजन भाई का नंबर दोनों का है। आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट बुक कर सकते हो और इजिली आपके घर पे पहुंच जाए। फोटो मंगा लेंगे, आपको फोटोज आ जाएगा, फोटो भी मिल बोल देंगे, वो साइज आपको सेम आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो स्पेशल थैंक्स भाई, आपने सपोर्ट किया, इतनी बिजी मार्केट में आपने टाइम दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया भाई। तो अभी ये हमारे थर्ड शॉप में भाई, जिसका नाम है लेदर वर्ल्ड, और माशाल्लाह यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए चलते हैं लेदर वर्ल्ड के आंगन में और देखते हैं लेदर प्रोडक्ट लवर के लिए क्या है स्पेशल। माशाल्लाह लेदर वर्ल्ड के आंगन में आ गए सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सतीश खाड़े। सतीश भाई अपन ये बिजनेस में कितने सालों से?
1984 मतलब ये अपने डैड के जमाने से हम ये बिजनेस संभाल रहे हैं। तो हमारी जो शॉप की स्पेशलिटी, मैं काफी शॉप घूमा मगर जो आपके पास मुझे ये प्रोडक्ट देखने मिले, जो इनके कलर है, जो इनकी बनावट है भाई, ये कुछ अलग है भाई। तो सतीश भाई, जो अपनी स्पेशलिटी है वो क्या है? मैं ओनली लेदर में डील करता हूँ, लेदर के अलावा मैं नॉन लेदर में कभी डील नहीं करता हूँ। ओके। मेरी स्पेशलिटी है जैकेट्स में, जैकेट्स एंड ऑफिस बैग, लैपटॉप बैग। तो हम शुरुआत करते हैं ऑफिस जो बैग होते हैं लैपटॉप बैग उससे। ओके। तो आप कुछ चीज उसमें बताइए जो मजा आ जाए देख के लोगों को, विथ रेट। हाँ सर। ओके ठीक है। और अगर कोई पूरे इंडिया में आपसे मंगाना चाहे तो फिर वो इजिली यहाँ से बुक कर सकता है? हो सकता है, हो सकता है। तो लास्ट में हम आपका नंबर ले लेंगे, है ना सर? जरूर जरूर जरूर। ओके सर। तो एक ऑफिस बैग से आती है, 100% लेदर में है। ओके। ये जो लैपटॉप भी रख सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर पेपर्स वगैरह सब रख सकते हैं। ऑल इन वन है मतलब? ऑल इन वन है। और आपको इसको ट्रॉली को अटैचमेंट भी दिया हुआ है, अगर एयरपोर्ट के ऊपर रहेंगे तो ट्रॉली के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं। तो सर ये बैग का कीमत क्या है? ये बैग का कीमत है, अगर एक रिटेल प्राइस है इसकी, 2600 रुपीज, 2600 रुपया। ये अपने यहाँ का रेट है। और होलसेल का हम पूछ सकते हैं? होलसेल का 100+ क्वांटिटी रहेगी तो इसका रेट जाएगा 2100। और अगर यही चीज हम बैंड्रा या कॉजवे कोलाबा में खरीदते तो कितने का हो जाएगा? उसका तो मेरे से 3 गुना ज्यादा, मतलब 5-6 हजार रुपए का बैग हो जाएगा ये। हाँ तो सर बहुत जबरदस्त सेल्समैनशिप का ट्रिक अलग रहेगा। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरर है हमारा। और सर सेकंड रीजन ये भी है कि वहाँ पे रेंट भी बड़ा है, वहाँ रेंट भी बड़ा है। हमको रेंट नहीं, हमारा खुद का है, खुद का है हमारे। ठीक सर, ये बहुत जबरदस्त ब्लू कलर में एक बैग आपने बनाया, ब्लू ही है ये, ब्लू कलर में बहुत जबरदस्त बैग आपने बनाया है। ये इस पे नीचे से एक्सपेंड भी होता है, अगर किसी को कुछ सामान ज्यादा रखना है तो नीचे से एक्सपेंड होता है। ओके, चौड़ा हो जाता है ये। ये लैपटॉप बैग है राइट? लैपटॉप बैग है विद ट्रैवल बैग भी है। ओके ओके ओके। हाँ तो भाई इसके बाद में हम क्या दिखा रहे हैं? इसके बाद में दिखा रहा हूँ आपको मेरे स्पेशलिटी है जैकेट। ओके। जो मैं ओनली लैम लेदर में सप्लाई, लैम लेदर। ओके ओके ओके। ओरिजिनल लैम लेदर है। हाँ। जो विंटर के लिए ज्यादा यूज होता है, मतलब जो कश्मीर लद्दाख वगैरह यहाँ से जा रहे वो अपने पास मोस्टली ज्यादा वगैरह। अच्छा, 40 डिग्री तो उसमें भी ये चीज काम करती है। इसके ऊपर स्नो और वेट भी अच्छा खासा है इसका। वेट 100% लेदर है। अच्छा 100। और अंदर जो है ये फर यूज किया गया, ये ओरिजिनल स्वेड लाइनिंग है। अच्छा, ओहो क्या बात है भाई, मतलब अलग ही गर्मी पैदा कर देगी अंदर। क्या बात, लेदर ले देते इसको। उसके बाद मेरा एक स्पेशल और एक लेदर आता है, एक क्रैकल लेदर। क्रैकल क्रैकल। ओके, इसकी खासियत क्या है सर? इसका जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ। थोड़ा एंटिक लुक दिखे। ओके। इसीलिए ये सब ये बाइकर्स लोग काफी यूज कर रहे हैं। बाइकर्स लोग काफी यूज कर रहे हैं इसको, ज्यादा जाता है उनके। और सर कलर भी आपके पास काफी अलग अलग है, स्काई ब्लू, ब्लू भी ज्यादा और कलर से। ओके। और उसके बाद में सर मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रॉली वाले जो लेदर बैग आपने बनाए, ये बहुत ये ज्यादा करके ट्रैवल में यूज होते हैं। हाँ। ये जो अब ओके रहेंगे तो आप इसको इसलिए। ये कितना केजी तक वेट उठा लेते हैं ये जो बैग है? 7 केजी, 7 किलो, 10 किलो तक ले। और अगर इसके हैंडल लेदर टायर में किसी में प्रॉब्लम आता है तो रिपेयर हो जाता है? 1 साल की वारंटी में सब आपको हो जाता है। उसके बाद में एक बड़ा लेदर बैग आपने बनाया जो कि हम विंटेज लुक कह सकते हैं, जैसा ब्रिटिशर लोग यूज करते थे पहले, हम देखते थे। ये भी बहुत अलग चीज है, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है इसका 100% जो लेदर मैंने जो यूज किया हुआ है वो नेचुरल लेदर है। ओके। तो इसमें कुछ मैंने कॉम्प्रोमाइज। और ये बैग कितने का है सर? ये बैग जाएगा 5500। और अगर इसमें मेरे को जो भी कलर चाहिए मैं आपको ऑर्डर देता हूँ तो ये कितने दिन में बन के मिल जाएगा? अगर क्वांटिटी रहेगी कम से कम 20-25 पीसेस रहेंगे तो ये आपको महीने के अंदर तैयार होके मिलेगा। 100% हैंडमेड। अच्छा, ये सब हैंडमेड प्रोडक्ट। और ये एक बैग भी, सद्दाम भाई थोड़ा सा पीछे जाइए और उसकी ट्रॉली खोल के बताइए, थोड़ा सा चला के सर, थोड़ा सा चला के बताइए उसको। तो ये भी भाई बहुत जबरदस्त है, यहीं का मैन्युफैक्चर है सर। ये जो बैग है इसका क्या प्राइस है? ये आपको अगर रिटेल मिलेंगे तो ये 4500 तक जाता है। और अगर होलसेल में हम लेते हैं 100 पीस तो में जाता है तो 3500 तक, मतलब 1000 रुपए का फर्क हो जाता है। हाँ। तो सर हमसे तो काफी शोरूम और मॉल वाले भी लेके जाते होंगे ना? बट वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। हाँ। अगर क्वांटिटी कम रहेगा तो 3500 नहीं। अच्छा, अलग अलग जैसी क्वांटिटी वैसा रेट, जैसा कस्टमर हमको बोले कि क्वालिटी हमको ये चाहिए, लेदर चाहिए, कौन सा लेदर, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके सर, अब मैं देख रहा हूँ ये शायद लेडीज पाउच है मगर बहुत जबरदस्त कलर में, बहुत न्यू स्लिंग है।
ये देखिए, हाँ ये पाउच का क्या रेट है सर? ये 1400 रुपीज का, 1400 रुपए का है ये। मगर इसमें आपके पास काफी कलर और ये सारे ये एक मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम कहते हैं ना वो मगरमच्छ का लेदर, बट हाँ, ये डिजाइन है ये, हाँ, डिजाइन सिर्फ है। डिजाइन है ये, लेदर ये उसका नहीं, बफेलो लेदर। अच्छा ये बफेलो इस पे जो है डिजाइन कर दिया गया है डाई से। तो ये पाउच कितने में आ जाता है सर? 1400 रुपीज। इसमें से कोई भी लो 1400। हाँ 1400 रुपीज। तो भाई यहाँ पे बहुत कुछ है और बहुत जबरदस्त शॉप है। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं, ग्रीन कलर का पाउच दिखा है मुझे भाई, जो कि बहुत जबरदस्त दिख रहा है भाई। ये मेन का स्लिंग है। हाँ आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में, ट्रेवलिंग में लोग बहुत यूज कर रहे हैं, पासपोर्ट वगैरह रखना है तो अंदर आपका मोबाइल बैठता है, पर्स वैलेट बैठता है, पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह इजिली आ जाते हैं, सब कुछ इसके अंदर डंप करके आप ट्रैवल कर सकते। तो सर ये पाउच की कीमत क्या है? ये पाउच की कीमत है 1100, 1100 रुपया। और अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर या कोई वीडियो देख के आता है तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट है? 100 मिलेगा, मिल जाएगा ना सर? थैंक यू सर उतना मान रखने के लिए। उसके बाद में लेडीज के जो बड़े वाले पाउच होते हैं वो भी काफी सर, ये इन पाउच और इन बैग को क्या कहा जाता है? बैग्स कहा जाता है इन्हें, वैनिटी बैग भी बोलते हैं, वैनिटी लेडीज बैग भी बोलते हैं। सर अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो पूछना वीडियो में सही नहीं है, ये बताइए सर बॉलीवुड और सीरियल वालों में ऐसे कौन से सेलिब्रिटी है जो अपने शॉप पे विजिट करते हैं? मेरे पास मराठी एक्टर में से तो अशोक सराफ, रमेश देव जी जो अभी गुजर हाँ। है वो भी आते हैं, आते थे, और ज्यादा करके अशोक सराफ भी आए, बहुत बार आए हुए, और रेखा जी आए, यहाँ पे आए, आज आए थे हाँ। रेखा जी आए थे, लेकिन मेरे बहुत साल पहले हमारे पास मिथुन चक्रवर्ती भी आए थे। अरे क्या बात है, उसके बाद तो मिथुन चक्रवर्ती तो इधर से शिफ्ट हो गया हाँ। मालूम नहीं अभी कभी तो अभी कोई लेटेस्ट में सर नवी पीढ़ी के कोई हीरो वगैरह आते हैं हमारे पास या उनके पीए वगैरह आके लेके चले जाते हैं? उनका मैं जो शूटिंग के लिए बहुत काम करता हूँ, जैसे क्लीन स्लेट वगैरह हाँ। जो प्रोडक्शन हाउस है सुभाष घई का प्रोडक्शन, उनके यहाँ से मुझे बहुत सारे काम आते हैं, जैकेट के लिए, बैग्स के लिए, कुछ ट्रेवल बैग के लिए, उनके लिए आते हैं मेरे पास। सर एक बहुत जबरदस्त था, इसे हम कह सकते हैं ना ये ब्रांड काफी लोगों के हाथ में दिखता है भाई, इसको हैंडल भी है और हाँ। इसको स्लिंग भी है। तो सर ये पाउच का क्या रेट है? ये पाउच का रेट है 2300। 2300 सर, आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए प्लीज। 9821464701। तो यही नंबर पे हमें व्हाट्सअप करना है हमें क्या चाहिए हाँ। अगर आपसे कोई ये फोटो वगैरह मंगाना चाहे, वीडियो कॉल पे शॉप दिखाना चाहे तो आप दिखा दोगे? दिखा देंगे। और जो हमारा जीपे नंबर है वो भी इसी नंबर पर है? नहीं, वो दूसरा, वो हम बता देंगे आपको कॉल पे ना। और अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट समझो अभी ये पाउच आपसे मंगाता हूँ ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी, तो इसके जो डिलीवरी चार्जेस है वो कस्टमर देगा या आप दोगे? कस्टमर देगा, वो कस्टमर देगा। और मुंबई के अंदर है तो? मुंबई के अंदर है तो वीफास्ट से हमारी तरफ से जाएगा, वो आप दे दोगे उसका पैसा। मगर ऐसा नहीं हो कि सर हमारा वीडियो देख के कोई बुक करे और उसका सामान नहीं पहुंचे, ऐसा कुछ मगजमारी तो नहीं होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देखो आज 50-50 साल से बैठे हुए लोग हो। ट्रस्ट ही सबसे बड़ा ये होता है, इश्यू होता है। अगर मैं एक बार कस्टमर टूट गया, अगर वही उनके अंदर रिव्यू, एक गलत रिव्यू बर्बाद कर देता है, एक गलत रिव्यू नाम खराब हो जाएगा। तो सर अब मुझे ये एक मेन सीजन बताइए कि जब फुल हुजूम में यहाँ पे बिजनेस चलता है, वो सीजन कौन सा है? नवंबर टू जनवरी। तो अब पुराने पिक्चर के विलन लुक के भी कुछ प्रोडक्ट मेरे को आपकी शॉप में दिख गए सर, थोड़ा सा वो दिखा दीजिए, हंटर वगैरह, क्या बात है भाई, ये तो मतलब भाई पुरानी पिक्चर के जो विलन होते थे लगता है सर इससे प्रॉपर एकदम? नहीं, इसको इसके अंदर एक पहली तार रहती थी लोहे की, वो निकाली। अच्छा, जो एक्चुअली जो तार थी उसका फटका लगता हाँ, था उसका लगता था, लेकिन तो अब ये खाली शो के लिए। और वो जो ब्लैक वाला हंटर है वो दिखाइए ना सर, अरे क्या बात है भाई, फुल लेंथ में है, 70 इंच का टोटल लेंथ है इसका। अच्छा, ये फुल साइज का हंटर होता है? हंटर है। ओके ओके ओके, ये ज्यादा करके वॉल के ऊपर बहुत शो के लिए लगा हुआ है, उसको। तो ये जो बंगलो और विला वाले होते होंगे तो वो लोग आते होंगे लेने के लिए? शूटिंग में, सीरियल्स में वगैरह बहुत जाते हैं। ओके, तो अगर विंटेज कोई फिल्म हिस्ट्री रहेगा तो उसके अंदर भी ये काम में आता है। क्या बात है भाई, मतलब जहाँ जहाँ नजर पड़ रही है आपसे जो जो सवाल पूछ रहा हूँ माशाल्लाह आपने मुझे जवाब दिया, और इतने बिजी मार्केट में आपने अपना 15 से 20 मिनट मुझे दिया, उसके लिए टीम अननोन ब्लॉगर आपका शुक्रिया अदा करती है। तो जो भी लेदर प्रोडक्ट लवर है भाई वो यहाँ पे जरूर विजिट करे, हमारे भाई की शॉप है भाई। और यहाँ पे काफी बॉलीवुड स्टार बड़े बड़े आ चुके हैं, मराठी मूवी के जो स्टार है वो आ चुके हैं, बॉलीवुड में काफी इनके प्रोडक्ट जाते हैं फॉर शूटिंग। हाँ, तो सर आप क्या कहना चाहोगे लेदर लवर लोग को, लो या मत लो, मगर अगर शौकीन हो तो विजिट जरूर करो। देखिए, लेदर एक गोल्ड के जैसा है, जैसा आप गोल्ड परचेस करते हो
उसकी प्योरिटी देखते हो, जैसा ये लेदर भी एक प्योर है, किसी एनिमल की स्किन है तो वो नेचुरल है। आप अगर नॉन लेदर में चले जाते हो तो कुछ काम करने आप 3-4 महीना यूज करोगे उसको फेंक दोगे, इसको 5-6 साल आप आराम से यूज कर सकते हो। आप आपका पैसा पूरा बेनिफिट में ही रहेगा, आपको जो इन्वेस्ट करोगे आप बेनिफिट में ही रहोगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे, ये मेरे तरफ से आपको एडवाइस। तो अपनी शॉप पे जरूर आना चाहिए, 100% आप आ जाना, आपको तो अच्छी सर्विस दी जाएगी, अच्छा क्वालिटी दिया जाएगा सब। तो सर एक रिक्वेस्ट है, अभी बहुत छोटा हूँ मैं आपके सामने, मैं हर 2 महीने में आपको एक बार तंग करने आऊंगा और आपको मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो बनाने अच्छे से अच्छा देना है ना सर। थैंक्स अ लॉट सर। अपन आए थे भाई आज धारावी मार्केट एक्सप्लोर करने, जो कि स्पेशलिटी है यहाँ की लेदर प्रोडक्ट, तो हमने 3 शॉप यहाँ पे कवर की। हाँ, ऐसे तो मार्केट बहुत बड़ा है धारावी के बारे में, हम कह सकते हैं ना कि भाई दिन खत्म हो जाएगा, घंटे खत्म हो जाएंगे, हफ्ते खत्म हो जाएंगे, महीने खत्म हो जाएंगे, मगर धारावी में काम नहीं खत्म होगा भाई। धारावी में इतना काम है, इतने वीडियो हमें बनाने के मौके मिलेंगे रैंडम, इंशाल्लाह धारावी के बारे में हम वीडियो डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। और एट लास्ट यही कहूंगा कि आप लोग कमेंट में कंटेंट जरूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही मेरे लिए कंटेंट है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपने अगर अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त।